टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ट्विटर के बॉस बन चुके हैं। एलन मस्क ने अपने ट्विटर बायो में प्लेटफॉर्म के हेड होने का जिक्र किया है। वहीं इस बीच खबर है कि एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल समेत कुछ बड़े अधिकारियों को पद से हटा दिया है। आपको बता दें, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क के मालिक बनने के बाद ही ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेडल सैगल को कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी हेडक्वार्टर से भी उन्हें बाहर निकलवा दिया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, कानूनी नीति और ट्रस्ट के प्रमुख विजय गड्डे, मुख्य वित्त अधिकारी नेडल सैगल सहित कुछ अन्य शीर्ष अधिकारियों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि जब नेडल सैगल और पराग अग्रवाल को ट्विटर से बाहर निकालने का निर्णय किया गया, उस समय दोनों सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय में मौजूद थे। आपको जानकारी के लिए बता दें, एलन मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को $54.2 प्रति शेयर के रेट से $44 अरब में खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन तब स्पेम और फेक अकाउंट की वजह से उन्होंने उस डील को ही होल्ड पर रख दिया था। इसके बाद 8 जुलाई को मस्क ने डील तोड़ने का फैसला किया। वहीं इसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख किया। लेकिन फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में मस्क ने अपना रुख बदला और फिर से डील को पूरी करने के लिए तैयार हो गए। इस बीच डेलवायर कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक डील को पूरी करने का आदेश दिया था। एलन मस्क ने एक दिन पहले ही ट्विटर के दफ्तर में पहुंचकर सभी को चौंका दिया था। बता दें, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेडल सैगल समेत लीगल अफेयर पॉलिसी हेड विजय गड्डे को पद से हटा दिया है। खबर ये भी है कि जिस दौरान एलन मस्क की डील ट्विटर के साथ पूरी हो रही थी, उस वक्त पराग अग्रवाल और नेडल सैगल दफ्तर में ही थे, जिसके बाद उन्हें दफ्तर से बाहर निकाल दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।